पितृवर। ये देखिए आप, ये है दोस्तों डैम में, लेकिन ये रास्ते में इतना भयानक, ऊपर से आप व्यू देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको ये कहा था, ये देखिए पूरी दीवार में ऐसे कर। तो दोस्तों ये और ये दोस्तों कर लिया हम लोगों ने संगम दर्शन, और आज माँ साहब का दिल इधर इतना खुश हो गया है पूछिए मत आप। तो बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी, आगे हम तो देखिए एक बार फिर से माँ गंगा के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद अब हम निकलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। चलो मैं आप गाड़ी खोलो। ये गई कोडियाला की तरफ और हमने राइट को जाना है यार। दोस्त ये टिहरी डैम जाते हैं क्या? टिहरी डैम जाएगा ना ये रूट? ठीक है, रास्ता बढ़िया है। चलो तो दोस्तों अब हम निकले टिहरी की तरफ, तो मिलते हैं टिहरी पहुंच के। नहीं, रास्ते में भी मिलेंगे। सॉरी गलती हो गई, मुंह से निकल गया, मैं मरी जावा। तो मित्रवर ये देखिए आप भागीरथी नदी को, वो देखो दूध जहा लग रहा है वहाँ, वो यही किसी ने कलर भर के फेंक दिया। बेटा ये सीन यहाँ पर की ऐसी फोटो देखो, जबरजंड जिसको बोला जाता है वही है ये। तो हम लोग देवप्रयाग से निकल गए हैं, देवप्रयाग से हम टिहरी की तरफ जा रहे हैं। तो टिहरी के लिए दो रूट थे, दोनों की दूरी बराबर थी, तो हमने ये पतला वाला रूट और ये सुनसान रूट पकड़ा है। अभी तक तो रूट भी काफ़ी अच्छा है, बट पतला है, सिंगल लेन वाला है। तो पहुंच के दिखाते हैं आपको हम टिहरी के नज़ारे। टिहरी डैम यहाँ से अभी 34 किलोमीटर की दूरी पे है, और उससे पहले एक और डैम पड़ता है, वो है कोटेश्वर डैम। देखेंगे अगर कैसा है वो डैम तो दिखाया जाएगा आपको। तो ये देखिए, ये है दोस्तों कौन सा डैम मसाब, कोटेश्वर बांध है ये, जो कि भागीरथी नदी पर बना है, और इससे पहले इसी नदी पर बना है अपना टिहरी डैम, हम जा रहे हैं वही देखने। और ये देखिए ये निकासी है यहाँ पर से, क्योंकि हम इस रास्ते यहाँ से आए हैं, तो पहले हमको क्या पड़ा, ये पड़ा है इसकी निकासी। अब शायद यह होगा डैम इधर, तो आगे आपको अब डैम के भी दर्शन कराएंगे हम। डैम तो वैसे कोई देवता तो है नहीं, दर्शन नहीं मतलब डैम दिखाएंगे। हाँ सॉरी मुँह से निकल गया, वापस हम ले नहीं सकते, तो इसलिए हमारी गलती को माफ़ करें, हमारी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए। कोमा साहब देखिए, अब देखिए ये है कोटेश्वर बांध, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम से, भागीरथी नदी अपनी गोमुख से निकली हुई। नहीं पत्थर ही है मासा, वो पत्थर तभी तो जगह जगह देख के ही बनाए जाते हैं ना मासा। ये डैम ऐसी ऐसा ही स्ट्रक्चर वहाँ भी है NHPC के ऊपर धारसूला में, तो मुझे याद आ गया। दर्शन कीजिए, देखिए
और आनंद लीजिए, प्रफुल्लित होइए। भाई लोग हम चाय पी लें, फिर थोड़ी चाय पी लेते हैं। कोई क्या मेरी लग रहा है। अब दोस्तों हम टिहरी पहुंचने वाले हैं डैम में, लेकिन ये रास्ते में इतना भयानक जो हमको सीन मिला है, दैत्याकार आप देख रहे होंगे, क्रेन इतने। तो ये है, आप देखिए, ये टिहरी डैम का ये है निकास। अब ये जो आपको सामने पे ये दिख रहा है, और इसके पार साइड है टिहरी डैम। अब हम लोग जाएंगे इधर ही। अब देखिए ऊपर से आप व्यू देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको एक बार इसका व्यू पॉइंट ऊपर से, जो ये सामने पे, इसमें आपको एक गाड़ी चलती हुई भी दिखाई दे रही होगी। ये इतनी हैवी दीवार है, पूरी रोड बनी हुई है इसमें, इसी से ये पूरा पानी रुका हुआ है। और यहाँ देखिए पूरा यहाँ से निकासी होती है। अब यही पानी यहीं पर से, ये देखिए इधर पर से, ये यहाँ पे ये टिहरी डैम है, यहाँ पर से 10 किलोमीटर आगे पे कोटेश्वर डैम है। तो दोस्तों ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए पूरी दीवार में ऐसे करके रोड है। अभी हूटर भी बच चुका है मेरे ख्याल से, अब पानी खुलेगा नीचे से। तो दोस्तों ये है टिहरी डैम। अब देखिए टिहरी डैम की आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ भी पूरा डैम है, और यहाँ की तरफ भी पूरा डैम है। तो हम आपको डैम का ओवरव्यू यहीं से करा रहे हैं पूरा। तो ये देखिए, ये है पूरा टिहरी डैम। दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से ये जो नदी दिख रही है, ये है भिलांगना, है नहीं माँ साहब? ये है भिलांगना, और जो ये वाली नदी आ रही है ये है भागीरथी। यहाँ पे टिहरी डैम में भिलांगना नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं, और उसके बाद ये रह गया डैम। उसके बाद ये नीचे को कहलाई जाती है, ये नदी कहलाई जाती है, फिर भागीरथी, ये आगे मिलके
अलकनंदा से मिलके गंगा नदी बन जाती है। और भी हम बिल्कुल पास में आ गए हैं देखिए इसके, और ये पूरा डैम, और इसकी जो भी एक्टिविटी होती हैं यहाँ पर से होती हैं स्टार्ट। समंदर है छोटा मोटा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं टिहरी डैम के पार्किंग एरिया पे। देखिए माँ साहब आगे आगे लगे हैं, और माँ साहब आप जैसी फ़ोटो बोलोगे यहाँ पर से जितनी मन पसंद वैसी आ जाएंगी, ठीक है। और देखिए वो वाटर एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। आइए सर आइए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए दोस्तों, और ये सारी इंक्वायरी आपको देख लीजिए क्या क्या रेंट है। मेला लगा है इधर देख लीजिए। और ये है प्लेटफॉर्म, यहाँ से होती है सारी वाटर एक्टिविटीज। तो दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं जेट्स की, और देखिए चारों तरफ हमारे, अभी दिखाते हैं वीडियो में आपको जेट्स की का आनंद लेते हुए हम दो भाई लोग।